Hello friends, welcome in Parsham School. Today we will study social science. Standard 7th, semester 1, chapter 6. Chapter 6, आज हम करेंगे, ठीक है? Are you ready? Okay, now start. Kasam Mir's Lok Daira was organized in the village square and the entire village had gathered there at night. Small children had already taken their position in the front row. Patriotic songs were also being sung at the Lok Daira along with folk songs. Utsav liked the Palya recital very much. The next day he asked his grandfather, what does Palya mean? His grandfather told him that a Palya is a memorial commemorationing the heroes. It is a tribute to martyrs who have sacrificed their lives while protecting and ensuring the welfare of the people. These palyas are worshipped during festivals and songs are sung as homage to these martyrs. This is the culture of our country. इसमें बोला गया है कि गांव में लोक डायरा था. लोक डायरो मीन्स पता होगा शायद आपको, शायद आपने सुना भी होगा या फिर देखा भी होगा. ज़्यादातर गांव में होता है और लोक डायरे में माता जी के सॉन्ग्स गाए जाते हैं या फिर शहीदों के लिए जो गाने गाते हैं वो गाए जाते हैं और बड़ा अच्छा होता है. शायद आपने नहीं देखा हो तो आप देख लीजिएगा. अगर गांव में नहीं पॉसिबिलिटी है तो टीवी पे भी ये आता है, तो एक बार आप ज़रूर इसको सुनिएगा. लोक डायरो, अभी ये लोक डायरा गांव में चल रहा था. गांव के बीच छोटा सा ऐसा सर्कल था, चौक था, वहाँ पे ये चल रहा था. छोटे बच्चे थे जो, वो जल्दी से आके फ्रंट रो में अपनी पोजीशन ले ली उन लोगों ने. लोक डायरे में देशभक्ति के गाने भी गा रहे थे, माता के गाने गा रहे थे और देशभक्ति के गाने जो शहीदों की याद में गाए जाते हैं वो उत्सव को ज़्यादा पसंद है. इसमें उत्सव नाम का बोय है, उसको ज़्यादा पसंद आए. अरे ये तो बड़ी अच्छी वाली बात है, हमारे क्लास सेवन्थ में भी उत्सव है. ये तो हमारी टेक्स्ट बुक से जुड़ गया. उत्सव आपको पसंद है? देशभक्ति के गाने सुनना पसंद है आपको? यस और नो? उत्सव ने घर आके दूसरे दिन अपने दादाजी से पूछा, व्हाट डस पालिया मीन? पालिया का क्या मतलब है दादाजी? तो दादाजी ने बोला, जो शहीद लोग होते हैं, जो वीर है, उनकी याद को ताज़ा किया जाता है इन गानों के थ्रू. जिन लोगों ने लोगों की भलाई के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी जान गंवाई है, उन लोगों को हम रिस्पेक्ट शो करते हैं इन गानों के थ्रू. शहीदों की कुर्बानी को गाने के माध्यम से हम रिस्पेक्ट देते हैं और यही हमारी संस्कृति है. शहीदों के बहादुरी के किस्से को भी हम गाने के माध्यम से हम याद करते हैं. पालिया फेस्टिवल में यही गाने गाए जाते हैं, ऐसा दादाजी ने उनको बताया. किसको बताया? उत्सव को. हमारे क्लास में भी उत्सव है. उत्सव, मैंने आपसे पूछा कि आपको पसंद है? उत्सव एंड हिज फ्रेंड रिक्वेस्टेड हिज ग्रैंडफादर, प्लीज एनलाइटन अस अबाउट द कल्चर ऑफ अवर कंट्री. उत्सव और उनके दोस्तों ने दादाजी को रिक्वेस्ट की कि जो हमारी संस्कृति है उनके बारे में बताइए. वेट, सेड ग्रैंडपा, ही वेंट इन एंड कम बैक विद सम पिक्चर्स. ही देन आस्क्ड उत्सव, कैन यू सी टेम्पल्स इन दिस पिक्चर्स? इट सीम्स एज इफ दिस स्टोन्स हैव देयर ओन स्टोरीज टू नैरेट, इजंट इट? टुडे आई शैल टेल यू अबाउट द सिविलाइजेशन एंड कल्चर ऑफ द राजपूत एज. दादाजी ने कहा, हाँ रुको. ऐसे बोल के दादाजी अंदर गए, फिर कुछ लेके आए. उनके हाथ में पिक्चर्स थे और थोड़े से पिक्चर्स उत्सव को दिए
और उत्सव को बुला बेटा कि इसमें देखो तो मंदिर दिखाई दे रहे हैं। इन पत्थरों को देख के ऐसा नहीं लगता कि जैसे इन पत्थरों की कुछ अपनी कहानी हो या कुछ बताना चाहते हो? दादाजी बोले, आज मैं आपको राजपूत एज की जो संस्कृति थी, जो सभ्यता थी, उनके बारे में बताऊंगा। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ड्यूरिंग द राजपूत एज। ड्यूरिंग द राजपूत एरा इंडिया वॉज नॉट रूल्ड ओवर बाय एनी वन किंग। इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू बिग एंड स्मॉल स्टेट्स एंड द एक्सटेंट ऑफ ईच किंगडम डिपेंडेंट ऑन द किंग्स मिलिट्री प्रोविज। यू हैव बिन ब्रीफ्ड अबाउट द राजपूत किंग्स एंड डायनेस्टीज इन द प्रीवियस चैप्टर। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, लिटरेचर, आर्किटेक्चर एंड एक्सटर्नल इन्वेंशंस ड्यूरिंग दैट टाइम। जब राजपूत एरा था तब इंडिया में ऐसा नहीं था कि एक ही किंग रूल करता हो। इंडिया के छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था और डिपेंड करता था कि उसके किंग की मिलिट्री पावर पे, उसके किंग का जो मिलिट्री पावर होता है उस पे डिपेंडेंट था। इसके अगले चैप्टर में यानी के चैप्टर नंबर 4 में हमने राजपूत एज के बारे में पढ़ा था, याद है आपको? अच्छा मैं बताती हूँ, चैप्टर 4 में हमने ये पढ़ा था राजपूत एज के बारे में, जिसमें आपको शायद याद होगा चोल डायनेस्टी, पालव डायनेस्टी, पुलकेशी 2, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। अभी इस चैप्टर में हम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, लिटरेचर, आर्किटेक्चर एंड इन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वाला है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। उनकी जो सिस्टम थी वही वटकी, उनके बारे में पहले हम जानेंगे। आफ्टर द 7th century वेरियस राजपूत डायनेस्टीज रूल्ड इन इंडिया। हाउएवर इवन दो डिफरेंट डायनेस्टीज केम टू पावर, देयर वॉज लिटल चेंज इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। 7th century के बाद बहुत सारी राजपूत डायनेस्टी ने इंडिया पे रूल किया था। अलग अलग डायनेस्टी ने जो है वो पावर में आई, पर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में थोड़ा सा चेंज हुआ, लिटल चेंज। दो किंगशिप वॉज हेरिडेटरी, इट वॉज नॉट कंपल्सरी दैट द एल्डेस्ट सन वुड ऑलवेज ऑटोमेटिकली बिकम द नेक्स्ट किंग। द हेयर अपीरेंट सिलेक्टेड बाय द किंग वॉज कॉल्ड द क्राउन प्रिंस। इट सम केसेस इवन पीपल एंड मिनिस्टर्स इलेक्टेड और सिलेक्टेड दैर किंग। फॉर एग्जाम्पल वाइल इन कश्मीर किंग यशस्कर वॉज सिलेक्टेड एंड एनथ्रोन्ड बाय द ब्राह्मिन ग्रुप। इन गुजरात कुमारपाल वॉज सिलेक्टेड एज द सक्सेसर बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। पहले ऐसा था कि जो किंग हुआ करते थे तो किंग के बेटे को ही किंग बनाते थे, पर ऐसा नहीं था कि जो किंग होते थे उसके बड़े बेटे को ही किंग बनाया जाए। उसके छोटे बेटे या मंझले बेटे को भी वो गद्दी पर बिठा सकते थे, और जिसको भी वो सिलेक्ट किया जाता था तभी तो उसको क्राउन प्रिंस कहते थे। और कोई जगह तो ऐसा भी हुआ जो मंत्री होते थे वो अपने किंग को चुनते थे। फॉर एग्जांपल कश्मीर के किंग यशस्कर है, उनको सिलेक्ट किया गया था ब्राह्मिन ग्रुप द्वारा उनको बिठाया गया था। और जो गुजरात के कुमारपाल किंग बने थे वो भी मंत्री द्वारा ही चुने गए थे। द मिनिस्टर्स वेर अपॉइंटेड टू असिस्ट द किंग टू एडमिनिस्टर एंड मैनेज द किंगडम इफेक्टिवली। येट ए टाइम पीपल बिकम विक्टिम ऑफ पुअर रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज। जो मंत्री को अपॉइंट किया जाता जब, यानी कि मिनिस्टर्स को, तो वो लोग राजा को असिस्ट करने के लिए या फिर राज्य का मैनेजमेंट करने के लिए किया जाता था। कभी कभी गलत वहीवटी पॉलिसी की वजह से लोगों को परेशानी का शिकार होते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन द विलेजेस। विलेज इंस्टीट्यूशंस वेर वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। द पंचायत लुक्ड आफ्टर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। द हेड ऑफ द पंचायत वॉज कॉल्ड मुखी और सरपंच।
एंड ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग एंड डिलीवरिंग जस्टिस टू द विलेजर्स. हीज वॉज द फाइनल वर्ड. स्टिल इन मेनी केसेस द ग्राम सभा वुड ऑल्सो गिव वर्डिक्ट एंड पनिश कल्प्रिट्स. इवन टूडे एट द विलेज लेवल द ग्राम पंचायत और द एल्डर्स ऑफ द पंचायत प्रोवाइड गाइडलाइंस टू द पीपल. मिडिवल पीरियड के दौरान विलेज सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट थी. जो पंचायत होती थी वो एडमिनिस्ट्रेशन देखती थी, यानी पूरा वहीवट वो संभालती थी. पंचायत में पता है ना आपको क्या होता है कि गांव में एक ग्रुप होता है लोगों का, फिर उनमें से 4 या 5 मेंबर होते हैं जो पंचायत में बैठते हैं, और उनमें जो हेड होता है उसको मुखी बोला जाता है या फिर सरपंच बोला जाता है. उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो गांव वालों को सुरक्षा करे और न्याय दे. अगर उन्होंने, और ये भी होता था कि उन्होंने कुछ सुनवाई कर दी, जैसे कि पंचायत के मुखी ने कुछ बोल दिया कि यही फैसला है, तो फिर वो आखिरी फैसला माना जाता था. अभी तो क्या है कि अभी तो ऐसा नहीं है हमारे पास तो अगर हम कोर्ट में जाते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, इस तरीके से जा सकते हैं. पर पंचायत में क्या होता था कि जो मुखी बोल देते थे, एक बार फाइनल बोल देते तो वो आखिरी वर्ड माना जाता उसे. इसके अलावा कोई उनके पास कोई सुनवाई नहीं होती थी. और कुछ ऐसे भी केसेस हैं कि जिसमें ग्राम सभा अपना न्याय सुना सकती थी तभी, और दोषी को सजा भी देते थे. आज भी जो विलेज लेवल है, जो ग्राम पंचायत के लोग और एल्डर्स हैं वो लोगों को गाइडलाइंस देते हैं. एट दैट टाइम लैंड रेवेन्यू वॉज द मेन इनकम ऑफ द किंगडम. Each kingdom had different ways of collecting land revenue, but usually the sixth part of the cultivation was taken as the land revenue. Apart from this, other taxes were also levied on the people. Different officers were appointed for different activities. Moreover, taxes were collected at ports and octroi points. Landlords collected the tax and paid tribute to the kings. किंगडम की जो मेन इनकम थी वो थी लैंड रेवेन्यू. हर एक राज्य अलग अलग तरीके से लैंड रेवेन्यू लेते थे, पर जो पूरी इनकम जिसकी होती थी, जैसे कि जो फार्मर होते हैं उनकी जो पूरी इनकम है उसका 1/6 हिस्सा वो टैक्स भरते थे, टैक्स के तौर पे भरते थे. इसके अलावा और भी टैक्सेस लोगों पे लगाए जाते थे. अलग अलग एक्टिविटी के लिए अलग अलग ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते थे. ज़्यादातर जो टैक्स होते थे वो पोर्ट्स और ऑक्ट्रॉय पॉइंट्स पे लिए जाते थे. ऑक्ट्रॉय पॉइंट मतलब कि जो चुंगी नाका होता है, यानी जिसको गुजराती में बोलते हैं जगत नाका. लैंडलॉर्ड टैक्स कलेक्ट करते थे और फिर राजा को पे करते थे, या फिर उनको कुछ गिफ्ट्स जो मिलती थी, ट्रिब्यूट यानी कि गिफ्ट मिलती थी तो वो भी फिर राजा को दे देते थे. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिटरेचर. ड्यूरिंग द राजपूत एज देयर वॉज अ लॉट ऑफ रिलीजियस राइटिंग एज वेल एज लिटरेचर ऑफ वेरियस काइंड्स. स्कॉलर्स एंड एजुकेशन रिसीव्ड ग्रेट पेट्रोनेज फ्रॉम किंग्स. मेनी लिटररी वर्क्स वेर कंपोज इन संस्कृत, प्राकृत, तमिल, कन्नड़, तेलुगु एक्सेट्रा. The great Sanskrit poet Manga composed the epic Shishupalavadha. This epic is described the killing of Shishupal by Sri Krishna. Similarly, another poet Sri Harsh wrote the epic Naishadcharitra, which is about the story of Nal and Damayanti. राजपूत एज के दौरान बहुत सारे रिलीजियस राइटिंग्स लिखे गए थे और अलग अलग टाइप्स के लिटरेचर भी लिखे गए थे. जो विद्वान होते थे या जो पढ़ने वाले होते थे उनको राजा से सहायता मिलती थी. संस्कृत, प्राकृत, तमिल, कन्नड़,
इन लैंग्वेज में भी साहित्य लिखा गया था। संस्कृत के ग्रेट कवि जो हैं मांग, उन्होंने शिशुपाल वध का एपिक लिखा था। इस एपिक में श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध कैसे किया वो उन्होंने उसमें बताया है। श्रीहर कवि ने नैषत चरित्र एपिक लिखा था जिसमें नल और दमयंती की स्टोरी बताई गई है। Even songs by Radha and other gopis sung is praise of Lord Krishna were presented in a lyrical manners. The biography and achievements of the kings were also composed in a poetic manner. Hemchandracharya wrote Kumar Pal Charitra based on the life of the Solanki king of Gujarat Kumar Pal and a grammar book Siddham Shabdanushasans. As the title indicates, the names of King Sidra Jayasi and Hemchandracharya are associated with this book. This book was considered so important that it was placed on an elephant during a procession in Patan. इसके अलावा राधा और गोपियों ने जो श्री कृष्ण की तारीफ में जो गाने गाए गए हैं वो इस एपिक में गाने के अंदाज में लिखा गया है। जो राजा होते थे उनकी बायोग्राफी, उन्होंने क्या क्या हासिल किया है, इसको भी एक पोएटिक अंदाज में लिखा गया था। हेमचंद्राचार्य ने कुमारपाल चरित्र नाम का लिखा था एपिक। उसमें गुजरात के कुमारपाल राजा की लाइफ के बारे में लिखा गया है और उन्होंने एक ग्रामर बुक भी लिखी थी जिसका नाम है सिद्धहेम शब्दानुशासन। इस बुक का टाइटल राजा सिद्धराज जयसिंह और हेमचंद्राचार्य से जुड़ा हुआ है। इस बुक का इतना इम्पोर्टेंट था कि इस बुक को हाथी पे रख कर पूरा घुमाया गया था पाटन में, जिसको शायद आपको पता होगा हम लोग पोथी यात्रा निकालते हैं, तो ये तब इस बुक की पोथी यात्रा निकली थी। Not only poetry but plays were also written during that time. Bhobatti wrote Uttram Charitra while Pandit Narayan composed Hitopadesh, a collection of stories based on the Panchatantra. Either your school or a nearby library must be having books containing collection of stories or pop. उस पीरियड में सिर्फ पोएम यानी कि पोएट सिर्फ काव्य नहीं लिखे गए थे पर कुछ प्लेज नाटक भी लिखे गए थे। भूपट्टी ने उत्तम चरित्र, पंडित नारायण ने हितोपदेश लिखा था। ये चैप्टर आज हम यहाँ तक ही करेंगे। इसमें हमने पालिया के बारे में जाना, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इन विलेजेस इसके बारे में जाना, लिटरेचर के बारे में जाना। आपको अच्छा लगा, समझ में आया। बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं कुछ नया लेके।